कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में होलिका दहन का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां कई गली मोहल्लों में बच्चों युवाओं द्वारा होलिका दहन किया गया, तो वहीं सुल्तानपुर कस्बे में कई जगह बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां पर धूमधाम हर्षोल्लास के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए होलिका का दहन किया गया। इस मौके पर युवाओं बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। सुल्तानपुर कस्बे के साथ ही नोतड़ा मालियान गांव में उप सरपंच पूजा विजय समेत ग्रामीणों द्वारा होलिका का पुतला बनाकर दहन किया गया। यहां पर होलिका दहन के मौके पर उप सरपंच पूजा विजय ने कहा कि गांव में यहां त्योहार एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। तो इसी तरह सुल्तानपुर कस्बे के विद्यार्थियों के पास उप तहसील कार्यालय के सामने युवाओं ने होलिका का दहन किया और धार्मिक परंपरा अनुसार उसमें धान दंगी का भी शिकायत की। इसी के साथ ही सुल्तानपुर बोरा चौराहे पर होलिका नवयुक्त मंडल की ओर से प्रथम बार आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हजारों की संख्या में कस्बेवासियों का सैलाब देखने को मिला। यहां कोटा से आई हुई विशेष पार्टी ग्रुप द्वारा यहां पर रंगारंग सांस्कृतिक ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुतियां दी गई। यहां पर नृत्य की प्रस्तुतियों ने देर रात तक समा को बांधे रखा। इसके साथ ही कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में यहां कस्बेवासी कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे और देर रात्रि तक कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, तो वहीं कांग्रेस नेता हेमंत नागर, सरपंच मांगी लाल, उप सरपंच अश्वनी नामा ने भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के आयोजक अजरुद्दीन खान, घनश्याम मीणा, अविनाश राठौर, भानु शर्मा समेत कई ने बताया कि कार्यक्रम प्रथम बार आयोजित किया गया। इस मौके पर जो सैलाब देखने को मिला वह कार्यक्रम की सफलता ही है। इसके साथ ही यहां पर आयोजित कार्यक्रम में सपना चौधरी के देरे आंखों का यह काजल नृत्य जैसे ही चला तो सभी भाव विभोर और झूम उठे। देर रात तक चले कार्यक्रम ने सुल्तानपुर कस्बे में एक बार फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जान ला दी है।